दिल्ली में सरकार बनने से पहले ही आम आदमी पार्टी में बगावत की खबर है। अब तक तो आम आदमी पार्टी पर बीजेपी और कांग्रेस हमले कर रहे थे, अब अंदर से आवाज उठी है। मंत्रियों की जो लिस्ट सामने आई है वही बवाल की वजह है। लक्ष्मीनगर से कांग्रेस के दिग्गज नेता एके वालिया को हराने वाले विनोद बिन्नी ने ही पार्टी में आवाज उठा दी है। बिन्नी इस बात से खफा है कि उनका नाम मंत्रियों की सूची में क्यों नहीं है। इस मसले पर बिन्नी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि केजरीवाल के घर पहुंचे थे मुलाकात करने के लिए और बातचीत होने के बाद जब घर से निकले तो बहुत ज्यादा गुस्से में नजर आ रहे थे। तो मंत्रियों की जो सूची जारी की गई थी, ऐसा बताया गया कि अरविंद केजरीवाल को अकेले अधिकार दिया गया था कि आप तय कर लें। तय करने के लिए आधार कम थे क्योंकि अनुभव किसी के पास नहीं था। लेकिन बिन्नी जो है उनको, वो पार्षद रह चुके थे, दो बार निर्दलीय पार्षद के तौर पर चुनाव जीते थे वो, और उन्हें बहुत ज्यादा इस बात को लेकर नाराजगी है कि उन्हें मंत्रिमंडल में क्यों नहीं शामिल किया गया। हमारे साथ हमारे संवाददाता रोहित इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रोहित, क्या हुआ, कैसे निकले, क्या कुछ कहा बाहर, या सिर्फ इतना कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कल करूंगा, क्या देखकर पता चला गुस्सा है ज्यादा बिन्नी? रोहित से हमारा संपर्क नहीं हो पाया है अभी, लेकिन अभी तक जो संवाददाताओं से जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक जब विनोद कुमार बिन्नी निकले थे तो गुस्सा दिख रहा था उनके चेहरे पर। इससे पहले कुछ अटकलें थीं कि कौन मंत्री हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है। मनीष सिसोदिया का नाम उसमें अहम था। बिन्नी का नाम इसीलिए अहम था क्योंकि वो चुनाव लड़ चुके थे, जीत चुके थे पार्षद के तौर पर। जिन्हें हराया था वो भी एक कद्दावर नेता थे। पार्टी लोकप्रिय रही हो नहीं रही हो, लेकिन एके वालिया अपने इलाके में बहुत ज्यादा लोकप्रिय थे। उन्हें हराया था, राजनीति का थोड़ा मोड़ा अनुभव था, और इन सारी चीजों को देखते हुए विनोद कुमार बिन्नी को एक अहम नाम बताया जा रहा था जो कि मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता था, लेकिन शामिल नहीं हुए और उसके बाद बिन्नी ने नाराजगी दिखाई। तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं कि तस्वीरें हम थोड़ी सी पीछे करके आपको दिखाएं। पहले तो योगेंद्र यादव निकल रहे हैं, उनसे सवाल ढेरों पूछे गए, बिन्नी हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि कौन है। ये देखिए, यही है विधायक जो कि लक्ष्मीनगर से जीत कर आए हैं। पार्षद के तौर पर दल्लूपुरा से चुनाव लड़ा करते थे, वहां से दो बार निर्दलीय विधायक के तौर पर आए थे। कांग्रेस से दो तीन साल के लिए जुड़े हुए थे, लेकिन जब से आम आदमी पार्टी में शामिल हुए उसके बाद से उनका रिश्ता टूट गया था कांग्रेस से। लेकिन खफा होकर घर से निकले हैं अरविंद केजरीवाल के बाहर। जब संवाददाताओं ने उनसे पूछने की कोशिश की कि क्यों नाराज हैं, कहां जा रहे हैं, तो उन्होंने बस इतना कहा कि मैं कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा जिसमें कुछ खुलासा करूंगा। अब क्या ये बड़ा सवाल यहां पर है कि आम आदमी पार्टी जो अपने आप को अलग राजनीति की बात करती है, क्या उसमें भी जो अमूमन राजनीति हम देखते हैं वो देखने को मिल रही है? क्या वजह है कि विनोद कुमार बिन्नी इस तरह से खफा हुए हैं? क्या मंत्रियों को चुने जाने के आधार पर उनका गुस्सा है? वजह क्या है? वजह बहरहाल जो भी रही हो, सबसे बड़ी दुश्मन किसी भी राजनीतिक पार्टी की यही है कि अंदरूनी खटपट हो। अंदरूनी खटपट की पहली आहट आम आदमी पार्टी से ये सुनाई दी है। जाहिर है जो बड़ी पार्टियां हैं बहुत दिलचस्पी से इस खबर को देखेंगी, लेकिन दिल्ली की जनता शायद दिलचस्पी की जगह तनाव से देखे, क्योंकि अभी अभी सरकार बनने की बात आ रही थी। अगर उस पार्टी के भीतर भी खटपट की बात रही तो फिर होगा क्या? अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं ये तो तय हो गया था। आज उन्होंने वो 6 नाम तय कर दिए जो दिल्ली के मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। दरअसल दिक्कत यह है कि दिल्ली जैसे राज्य में, जो पूर्ण राज्य नहीं है, वहां पर आप इससे अधिक मंत्री बना नहीं सकते हैं। हालांकि थे तो 28 ही विधायक, उनमें से ही आपको चुनाव करना था। कांग्रेस सरकार को बाहर से समर्थन दे रही है, लेकिन उस सब के बीच भी विनोद कुमार बिन्नी को चुना नहीं गया
और बिन्नी इस बात से खासे नाराज हो गए हैं। उनकी समूची पार्टी में अगर राजनीतिक अनुभव के लिहाज से देखा जाए, चुनाव लड़ने के लिहाज से देखा जाए, तो बिन्नी अपने आप को बाकियों से जाहिर है आगे मान रहे थे और इसीलिए मंत्रिमंडल की बात आ रही थी तो उन्हें लगा कि शायद उनके अनुभव को ध्यान में रखा जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने तय किए हैं ये 6 नाम। इसका आधार भी वही जानते हैं कि किस आधार पर चुना गया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ से इसकी आलोचना करते हुए ये जरूर कहा था कि संतुलन नहीं है, इलाकों का सही संतुलन नहीं है, जो ग्रामीण इलाके हैं, जो थोड़े पिछड़े हुए से इलाके हैं, जो ज़्यादा डेवलप्ड इलाके हैं, उनका संतुलन यहाँ पर उनको उस तरीके से रिप्रेजेंटेशन, उनका प्रतिनिधित्व नहीं किया गया है। लेकिन पार्टी के भीतर से ये आवाज़ उठी है। लक्ष्मीनगर से ये विधायक हैं बिन्नी। दरअसल जो मोटे तौर पर देखकर समझ में आया है मंत्रिमंडल को, वो एक तो ये कि जो जिसने बड़े बड़े नेताओं को पटखनी दी है इन चुनावों में, उनके नाम शामिल किए गए हैं। चाहे वो ग्रेटर कैलाश से विधायक को मंत्री बनाया जाए या फिर राखी बिरला जो कि बस 26 साल की उम्र में एक मंत्री के तौर पर नजर आएंगी, जिस कद के नेताओं को उन्होंने पटखनी दी है उसे लग रहा है जैसे ध्यान दिया गया है और कुछ इलाकों के प्रतिनिधित्व के तौर पर कुछ नामों को चुना गया है। हमारे साथ बीजेपी नेता संबित पात्रा इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। संबित जी, जो कुछ हुआ है अभी आम आदमी पार्टी के भीतर कि एक नेता नाराज हो गए कि मुझे मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई और मैं कल कुछ बड़ा खुलासा कर दूंगा, ये आप देखकर क्या सोच रहे हैं बीजेपी की तरफ से? जो आप लोग इंतजार कर रहे थे, ये तो होना ही था, ऐसा तो होना ही था। राजनीति में आए हो आप, देखो क्या हुआ है, क्या है आपकी प्रतिक्रिया इस पर? नहीं नहीं, ऐसा हम नहीं सोच रहे थे कि राजनीति में आए हो तो ऐसा ही होगा। ये दुखद विषय है और ये उनके पार्टी का अंदरूनी विषय है। मगर देखिए, दो तीन बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब भी परिपक्वता नहीं होती है, जब भी संगठनात्मक ढांचा नहीं होता है और आप बहुत जल्दबाजी में कुछ बनने को रहते हो, तो इस प्रकार की परिस्थितियों का उत्पन्न होना बहुत स्वाभाविक होता है। आप देखिए, आम आदमी पार्टी आज तक दूसरों के विषय में खुलासा करती रही है, सच्ची या झूठी, और अब्यूजिंग और अक्यूजिंग को छोड़ के उन्होंने कुछ नया नहीं किया। आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि खुद आम आदमी पार्टी के विधायक अब उनके खिलाफ जो है खुलासा करेंगे। बहुत दिलचस्प मोड़ पे आके दिल्ली की राजनीति आज खड़ी है। मुझे लगता है कल ही मालूम पड़ेगा कि आखिरकार आम आदमी पार्टी के अंदर जिन बुराइयों के विषय में हम बात करते थे, उस हकीकत का जब पर्दाफाश होगा तो दिल्ली की जनता सच्चाई से अवगत हो। इसीलिए अटल जी की बात याद आती है, राजनीति की रपटीली राहें, उन रपटीली राहों से वाकिफ होना होगा अब अरविंद केजरीवाल को। बहुत शुक्रिया संबित पात्रा जी हमसे बातचीत करने के लिए। बीजेपी नेता संबित पात्रा हमसे बातचीत कर रहे थे, कह तो रहे थे एक तरफ कि दुख हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी अंदाज था कि आया ऊंट पहाड़ के नीचे। रोहित हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। रोहित, मैं आपसे पहले तो यही जानना चाहती हूँ कि बिन्नी निकले तो क्या तस्वीर थी वहां पर, क्या हुआ, कैसे गुस्सा पता चला, क्या कहा उन्होंने पत्रकारों से? देखिए, बॉडी लैंग्वेज अगर देखें तो बिन्नी ज़्यादा खुश नहीं लग रहे थे। सिर्फ 10 मिनट के लिए आए थे अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए। जैसे ही जो मंत्रिमंडल का जो विस्तार की जो खबरें थी वो न्यूज़ चैनल पे फ्लैश होने लगी, उसके बाद थोड़ी देर के बाद जो है वो बिन्नी जो है वो अरविंद केजरीवाल से मिलने पर यहाँ पर पहुँचे। सिर्फ 10 मिनट के लिए मुलाकात हुई है और 10 मिनट की मुलाकात के बाद बिन्नी सीधे वापस आए। जो बॉडी लैंग्वेज थी, बॉडी लैंग्वेज से साफ तौर पर दिख रहा था खुश नहीं थे। ऑफ द रिकॉर्ड जो बात हुई उनमें साफ तौर पर कह रहे थे, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसके बारे में बताऊंगा। उनके ठीक पीछे पीछे योगेंद्र यादव आ रहे थे, तो कई मीडियाकर्मी जो है चूंकि योगेंद्र यादव से बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, क्या अभी तक से क्या निकल के आ रहा है, क्या होगा, पूरा जो एक रोड मैप है वो समझने की कोशिश कर रहे थे योगेंद्र यादव। तभी जो बिन्नी का जो बॉडी लैंग्वेज था वो लग नहीं रहा था कि वो बहुत ज़्यादा खुश थे। उसके बाद कुछ मीडियाकर्मी जो है उनके पास भाग कर गए कि क्या मैटर क्या है, तो उन्होंने कहा कल मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताऊंगा। तो साफ तौर पर है कि कुछ ठीक नहीं है आम आदमी पार्टी के अंदर। जी रोहित, आपसे कुछ देर पहले आपसे बात हो रही थी, उसमें हम जिक्र कर रहे थे कि किन नामों की चर्चा थी और कुछ नाम जो अचानक सामने आ गए, उम्मीद नहीं थी कि वो मंत्री बनेंगे। बिन्नी एक ऐसा नाम थे जिनके साथ शायद लोग सोच रहे थे कि वो मंत्री बन सकते हैं क्योंकि पार्षद के तौर पर अनुभव उनका कुछ हद तक रहा है। कोई खास वजह समझ में आई है कि बिन्नी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं है? फिलहाल अभी इसकी खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन इतना जरूर है कि बिन्नी, विनोद कुमार बिन्नी जो है वो पॉलिटिकल साउंड जो है वो है, उनका काउंसलर रह चुके हैं। लेकिन इस बार जो अरविंद केजरीवाल ने जो मंत्रिमंडल जो बनाया उसमें कोई भी पॉलिटिकल साउंड वाला व्यक्ति जो है वो उस मंत्रिमंडल में शामिल नहीं है। बार बार ये चर्चाएं गर्म थी कि विनोद कुमार बिन्नी को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है क्योंकि वो पॉलिटिकल साउंड है,
बार बार ये कहा जाता है कि जो इनके पास एक्सपीरियंस लोग नहीं है, तो उसमें विनोद कुमार बिन्नी ऐसे थे जिनके पास एक्सपीरियंस है, मोहल्ला सभा जिसके बारे में बार बार जिक्र की जाती है अरविंद केजरीवाल के तरफ से, वो बार बार उसको लागू करने की भी कोशिश करते हैं अपने जहां पर वो काउंसलर हैं दल्लूपुरा से, फिलहाल अब वो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। लेकिन एक तरह से ये साफ तौर पे ये देखा जा सकता है कि सब कुछ ठीक नहीं है आम आदमी पार्टी के अंदर, जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड के जो लोग हैं उनको तरजीह नहीं दी गई है, जो नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड के जो लोग हैं उन्हें तरजीह दी गई है। तो बहुत शुक्रिया रोहित, पूरी जा सकता है कि जी रोहित बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। जाहिर आप देखना है कि क्या आम आदमी पार्टी इस ये जो अंदर से तूफान उठा है उस तूफान को थाम पाएगी या फिर नहीं थाम पाएगी, कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा या फिर नहीं होगा बिन्नी का। लेकिन वो ये तो वो नाम है जो शामिल नहीं है, जो नाम शामिल है वो हम आपको दिखा देते हैं। मंत्रिमंडल की सूरत कैसी है, कौन से हैं वो छह चेहरे। मनीष सिसोदिया इनका नाम सबसे आगे चल रहा था, सबसे करीबी माने जाते हैं अरविंद केजरीवाल के, पटपड़गंज से जीत कर आए हैं, पत्रकार रहे हैं, टीवी पत्रकारिता ही उन्होंने की है और प्रिंट की भी पत्रकारिता की है, लेकिन अब वो मंत्रिमंडल में और कहा जा रहा है कि एक बहुत अहम पोर्टफोलियो मनीष सिसोदिया को मिलने वाला है। अब ग्रेटर कैलाश से विधायक हैं सौरभ भारद्वाज, सबकी उम्र पर भी आप ध्यान दीजिए, 34 साल 39 साल 41 साल ऐसी ही आपको उम्र मिलेगी सभी नेताओं की जो मंत्री बनने वाले हैं। इसके अलावा देखिए विधायक हैं मालवीय नगर से जीत कर आए हैं सोमनाथ भारती, ये मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं। साथ ही राखी बिरला जो कि सबसे युवा चेहरा है, 26 साल की इनकी उम्र है, मंगोलपुरी से जीत कर आए हैं, जायंट किलर का रुतबा इनका पहले ही हो चुका है। शकूर बस्ती से विधायक सतेंद्र जैन भी मंत्रिमंडल में शामिल किए जा रहे हैं। और साथ ही जो छठा चेहरा है मादीपुर से विधायक का, वो मंत्रिमंडल में शामिल हुआ।